अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मेरा व्लॉग देख के आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो मैं शीर खोरमा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है और कढ़ाई में, और अब मैं जो है वो इसको बॉईल आने तक वेट करूँगी और फिर इसमें जो है वो शीर खोरमा डाल दूँगी और इसको पकाऊँगी 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपको थिक चाहिए तो आप ज़्यादा भी इसको जो है वो बॉईल ला के और इसको हिला सकते हैं। आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है और थोड़ी देर बाद आपका मज़ेदार शीर खोरमा पककर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो बॉईल भी आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो थिक होता जा रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस स्टेज पे इसको उतार के गार्निश कर लें या फिर थोड़ा और थिक होने दें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला पसंद है इसीलिए मैं इसको ज़्यादा थिक नहीं कर रही, ये बाद में भी जो है वो ठंडा होने के बाद भी थिक होगा। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको गार्निशिंग की है बादाम, पिस्ते और मेवे से। आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाया कस्टर्ड। मेरे पास जो था वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पड़ा हुआ था, मैंने उसको बना कर पहले ही फ्रीज़र में रख दिया था। उसकी भी रेसिपी तकरीबन सेम ही है, आप सबको आती होगी और उस पर लिखी भी होती है कि कैसे कस्टर्ड बनाते हैं। देन मैंने फ़ाइनल कस्टर्ड बना कर उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया, उसको गार्निश कर लिया और गार्निशिंग के बाद जो है वो मैंने उसको अगेन फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा और ठंडा हो जाए और मज़ेदार कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया। इट्स रेडी नाउ। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। मैंने कस्टर्ड डाला, देन केक डाला, फिर कस्टर्ड डाला, फिर केक डाला और देन उसको गार्निशिंग कर दी उसकी। तो ये आ गई एक मज़ेदार सी लुक। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मैंने हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सूजी को ब्राउन कर लिया, देन उसमें जो है वो मैंने पानी ऐड किया ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। उसको ब्राउन करना ज़रूरी होता है ताकि सूजी पक भी जाए। देन मैंने उसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लिए। मैं चाह रही थी कि दूध अंडे वाला बनाऊं लेकिन टाइम कम था और चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाना चाह रही थी मैं, इसीलिए मैंने जो है वो उसको बना के जल्दी से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कस्टर्ड बनाया है, शीर खोरमा बनाया है और साथ में हलवा है, हलवे के ऊपर भी मैंने गार्निशिंग की है। देन मैंने चने बनाए थे जिसके अंदर मैंने बीफ की यखनी ऐड की थी, उससे बहुत ही मज़ेदार बने थे वो। और देन हम लोगों ने जो है वो पूड़ियाँ बाहर से मंगवा ली थी क्योंकि जो है वो नाश्ते का टाइम हो गया था। साथ में मैंने बनाई थी गर्मा गर्म चाय, तो ईद के नाश्ते का मज़ा ही आ गया था। आपने जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कौन सी डिश सबसे मज़ेदार बनी है या क्या चीज़ सबसे अच्छी लग रही है, और ये भी बताना है कि किसकी डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी हुई है, गार्निशिंग वगैरह। हाँ, कस्टर्ड की मुझे इतनी पसंद नहीं है क्योंकि वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में की है। बाकी सब चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फिर स्टार्ट हो गया जी ईदी लेने का टाइम, और ईदी लेने के लिए सबसे पहले बच्चे तो एक्टिव होते ही हैं। ये रहा हमारा छोटा गुग्गू, इसको कोई परवाह ही नहीं थी, ये वीडियो देख रही थी और साथ में ईदी लेती जा रही थी। इसकी बड़ी बहन को भी ईदी मिली बहुत सारी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और एजल जो है वो भी अपनी ईदी कलेक्ट करती जा रही थी, वीडियो को छोड़ के जो है वो पैसे पकड़ती जा रही थी। बच्चों की ईद होती है, बड़ों की तो इतनी होती नहीं है, खैर बड़ों की भी होती है लेकिन उनका ज़्यादा जिम्मेदारियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो बच्चों की ज़्यादा होती है, वो सही इंजॉय करते हैं ईद को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा मेरा ईद का ड्रेस। मुझे तो लग रहा है कि इससे ऐसे ही बेड पर पड़े रहना है और मैंने इसको कैरी नहीं करना क्योंकि इतने सारे काम थे और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं रात से सोई भी नहीं हूँ। ये रही मेरी चूड़ियाँ, साथ में ज्वेलरी और ब्रेसलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती, तो जितना है उतना काफ़ी है। इस साल हमारे घर एक न्यूबॉर्न बेबी भी है, हमने उसके लिए ईदी की प्रिपरेशन करनी थी जो हम भूल गए थे, तो लास्ट मोमेंट में हमने जल्दी से बास्केट ली, घर में जो कुछ पड़ा हुआ था उससे ही डेकोरेशन वगैरह करके और उस बेबी को ईदी दे दी। क्यूट सी बेबी गर्ल के लिए हमने क्यूट सी बास्केट अरेंज की और बहुत ही अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा फैंसी तो नहीं थी लेकिन क्यूट लग रही थी।
सारे काम करने के बाद मैंने सोचा कि मेहंदी भी लगवा ही लूँ, क्योंकि मैंने रात में मेहंदी नहीं लगवाई थी। हम शॉपिंग करने चले गए थे और लेट आए थे। उसके बाद मीठा वगैरह बनाते बनाते सुबह हो गई थी, देन नाश्ता किया और उसके बाद जो है वो फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि मेहंदी लगवा लूँ। तो बताइए कि कैसी लग रही है मेरी मेहंदी और कौन से हाथ की जो है वो अच्छी लग रही है। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।